मैया मीठी रानी को समझाएगी और तू देखना वो खुद तेरे पास आकर माफी भी मांगेगी। बाहर में जाए उसकी माफी हम का करेंगे उसकी माफी से? वो हमारी औलाद थोड़ी ना है, हमारा खून ना ही है, हमको का लेना देना रानी से? घर से निकाल दे बस। मैया देख तू शांत। मैया रानी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तुम क्यों माफी मांगोगी? मेरी गलती रानी ने की, तो माफी भी रानी ही मांगेगी ना। तो हम क्या करें आकाश? उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो समझ नहीं रही है। बच्ची है, वो जिद्दी है। ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। उसकी परवरिश कुछ अलग माहौल में हुई है। हमारे तौर तरीके, हमारे कल्चर्स, हम कैसे रहते, कैसे बात करते, ये सब सीखने में उसे वक्त लगेगा। एक दिन में नहीं सीख सकती वो। कमरे में हम तो सोचे थे तुम उसका सामान उठा के लाओगे, बाहर फेंक दोगी। मासी मैं समझ सकती हूँ लेकिन कहाँ जाएगी? मैं कह रही हूँ ना, मैं कोशिश कर रही हूँ उसे समझाने की। क्या जरूरत है हाँ? नाली के कीड़े को समझाने की क्या जरूरत है? गंदी नाली के कीड़े को सर पे बिठाने की जरूरत कहाँ है? ये क्या कर रही हो तुम? आज जो कुछ हुआ सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हुआ। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा जिस तरह से रानी ने मैया का अपमान किया। अब उसे और कितना समझाएंगे? हाँ आकाश, पर अब तक ही घर में का मतलब समझे हम इसका? आप सब लोग उस बेचारी बच्ची के पीछे क्यों पड़ी है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं उसकी तरफ से माफी मांग रही हूँ ना आप सबसे। अरे पर कहाँ है तू माफी मांग रही है? खुद की औलाद है का, रिश्तेदार की बेटी है, तू कहाँ है माफी मांग रही है? मीठी मैं तुम्हारी हर बात समझने को तैयार हूँ। चलो ये बात भी समझता हूँ कि रानी एक बच्ची, उसे समझ नहीं आती चीज, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। छोड़ो ये हम का ही बता, ये लड़की को घर में रखने की जरूरत का है? हाँ आज तक अपनी जिंदगी में हमने इतनी गंदी लड़की नहीं देखी। हाँ मीठे हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या जरूरत है इतना महत्व देने की उस लड़की को। बात वो नहीं है। बात ही ना सुननी, उनको घर से निकाल दो। निकालो कचरे को यहाँ से, घर नहीं मंदिर है यहाँ। जो बड़की जीजी का अपमान करेगा उसको कोई जगह नहीं है। कहाँ इतनी हमदर्दी का? अरे वो गंदी नाली की उपज है। बस कीजिए आप लोग। मैं मानती हूँ उसने गलती की है लेकिन आप लोग इस तरह से पेश आ रहे हैं जैसे कोई घोर पाप कर दिया उस बच्ची ने। आप लोग ही बताइए कौन सी बच्ची शरारत नहीं करती, कौन सी बच्ची बदतमीजी नहीं करती? वो थोड़ी अलग है ना समझे? मैं यकीन दिलाती हूँ वो आकर आप सब लोगों से माफी मांगेगी। मैया वो आपसे माफी मांगेगी, ये मेरा वादा है आपसे, लेकिन उसे थोड़ा वक्त चाहिए। लोगों ने मुझे इस तरह से कटघरे में खड़ा कर दी, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे। उसकी माँ उसे इस गंदगी से बचाना चाहती, इसीलिए उसे इस तरह से छोड़कर चली गई। शायद कभी वापस नहीं आएगी उसे। उसे मेरी जरूरत है, उसे किसी के सहारे की जरूरत है, प्यार की जरूरत है। उसे मैं निकाल दूंगी ना, ये बाहर जो दुनिया है, जो लोग है ना, कोई उसे अपनाएंगे नहीं, कोई उसे माँ का प्यार नहीं देंगे, कोई उस बच्ची को समझेंगे नहीं, क्योंकि वो एक वेश्या की बेटी है। वेश्या की बेटी है, वेश्या की बेटी है। वैश्या की बेटी? ए भाई लोग कैसे हो? एकदम अच्छे ना? वैश्या की बेटी को हमारे घर में ले आई? अरे तू जानता था का? भैया मेरा यकीन कीजिए, मैं आपसे ये बात छुपाना नहीं चाहती। बस मैं सही मौके का सही मौका ये बात बताने का मौका होता है। सही मौका, ये बात कहने का सही मौका। भैया नहीं मांगेगी मैं माफी, क्या
भी सुन के नहीं लेगी। गलती क्या किया मैंने, काय को माफी मांगू मैं? नहीं मांगेगी माफी। बढ़िया ही बाल कटी बुढ़िया मुझसे माफी मंगवाने वाली, नहीं मांगेगी मैं माफी। तुम्हारी सबसे फेवरेट गिफ्ट बताओ। मैं तुझसे वादा कर रही हूँ ना, मैं तुझे तेरी माँ से जरूर मिलवाएगी, ऐसे यू मिलवा देगी। और ये मेरा वादा है। और तेरी ये गोरी दीदी है ना, वो ना बिल्कुल झूठ नहीं बोलती, पक्का वाला वादा करती है, पक्का प्रॉमिस, बाय गॉड की कसम वादा। पूरा नाम बोल। चमेली। ये धंधे वालियां कभी अपना असली नाम नहीं बताती, असली नाम बोल। नंदिनी। बाप का नाम? श्रीकांत माझी। कहां की रहने वाली है? गांव का नाम बोल। आतिशगढ़। आतिशगढ़। परिवार में कोई है जिसे तेरी खबर देनी हो? मेरे को ड्राइवर दीदी से पूछने का है, रानी को किसके पास रखा है? सब परिवार में कोई नहीं, एक दोस्त है, उसको फोन कर सकती मैं? ठीक है कर ले। ओम नमः शिवाय। हमका माफ कर देना, अपवित्र हो गए हम कि हमने उस गंदी नाली की उपज को छू लिया, और पाप हो गया हमसे। ओम नमः शिवाय। जाओ सारे घर को धो डालो और गंगा जल छिड़को सारे घर में, और वो ऊंचो करिया जिस कमरे में थी ना, सारी चीजें बाहर निकालो, बाहर निकालो और जला डालो सारी चीजें। ए बहुरिया, वो छोकरी आप घर में नहीं रहेगी, समझा देना। भैया वो बच्ची है, हमारे अलावा उसके पास और कोई नहीं है, कहाँ जाएगी वो? ए खड़े खड़े का देख रहो, दो घर और छिड़को गंगा जल। भैया प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझ रही हूँ ना मेरी बात को, तुम समझाओ ना मैया को। तुम यहाँ पे खड़े क्यों? जाओ ना मैया को समझाओ ना, उन्हें कहो कि ऐसी शर्त ना रखे, वो बेचारी बच्ची कहाँ जाएगी? आकाश तुम तो समझ सकते हो ना। मीठी हम पति पत्नी हैं, तो एक सवाल पूछ सकता हूँ? कैसी बातें कर रही हो, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, पूछो। मीठी इस बच्ची में तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों? ये बच्ची हमारी भी नहीं, फिर इस बच्ची के लिए तुम इतनी सारी बातें क्यों सुन रही हो? मैं मानती हूँ आकाश कि वो हमारा अपना खून नहीं है, हमारी बच्ची नहीं है वो, लेकिन हम उसे अपना मानने लगे, अपनी बच्ची की तरह प्यार करते हैं हम उससे। वो बच्ची आकाश, उसे क्या फर्क पड़ता है कि वो किस माँ की कोख से पैदा हुई है? और माँ तो माँ ही होती है ना, क्या उस औरत को अधिकार नहीं है कि वो माँ बन सके? अगर किसी को शर्म आनी चाहिए
तो वो बच्ची के पिता को आनी चाहिए जिसने उसे पैदा तो किया, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनकी बच्ची कहाँ है, किस हाल में। हम तो ये तक नहीं जानते आकाश कि रानी का पिता कौन है। ऐसी लड़की का पिता कौन होगा? गंदी नाली का कीड़ा ही होगा ना। भौरिया देख, कह दिया हमने, ये छोकरिया हमारे घर में नहीं रहेगी। मैं आप समझ क्यों नहीं रही है? उसे एक मौका तो दे दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, रानी सुधर जाएगी। मैं आपको शिकायत करने का एक मौका नहीं देने वाली। मेरा विश्वास कीजिए मैया, मैं उस बच्ची को सुधारूंगी। मगर मैं आपसे बात, ऐसे बच्चों को कौन सुधार सकता है? आप हमारे परिवार के बीच में ना ही बात करें तो बेहतर होगा। मैंने आपसे मना किया था। हम तो बोल सकते हैं ना, ये हमारा परिवार है, हमारे परिवार में ये गंदा खून ना ही चाहिए। ये गंदगी फैलाता है। ऐसी औरतें समाज का साफ होती हैं। माँ वेश्या है तो लड़की बड़ी होके क्या बनेगी, बोल। भैया आप एक बार, आकाश मांगने आई थी, लेकिन नहीं, अब मैं नहीं माफी मांगूंगी। मेरे को लगता था कि गोरी दीदी एकदम ठीक कहती है, जो मेरी माँ को गाली देगा उससे मैं तो कभी माफी नहीं मांगूंगी। रानी, रानी, ए बाहुरिया जाने दे उको। रानी रोको, रानी मेरी बात सुनो, रानी रोको। कहाँ जा रही हो तुम? तुम कहीं नहीं जाओगी। बोली दीदी, मेरे को पता है कि मैंने गलती की है और मैं तेरे से माफी भी मांगेगी। तू बहुत अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहेगी। नहीं रानी, मेरे लिए रुक जाओ। तुम मुझसे तो प्यार करती हो ना, फिर मेरे लिए नहीं रुकोगी तुम? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, मैं चली जाएगी यहाँ से। जिद नहीं करते बेटे, कहाँ जाओगी तुम? अकेले किसके पास जाओगी? प्लीज रुक जाओ रानी। जाना चाहती हूं, मैं तुम्हें नहीं रुकूंगा, और तुम गलत भी नहीं हो, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूं। रानी, मैं जानता हूं कि तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता हूं, लेकिन अगर मैं तुमसे यह वादा करूं कि इस घर में आज के बाद तुम्हारी मां को कोई भी कुछ बुरा नहीं बोलेगा, तो रुकोगी? Oh.
अच्छा ठीक है, मेरी मां की तरफ से मैं माफी मांगता तुमसे। रानी एक बात कहूं, तुम अपनी मां से बहुत प्यार करती हो ना? ये मेरी मां है, मैं भी अपनी मां से बहुत प्यार करता हूं। आज तुम्हारी मां के बारे में किसी ने बुरा कह दिया तो तुम्हें बुरा लगा ना? अगर कोई इन्हें कहेगा कुछ तो मुझे भी बुरा लगेगा। रानी मैं मानता हूं कि मेरी मां ने गुस्से में बहुत कुछ कहा, लेकिन एक मां बच्चे को कभी बतुआ नहीं दे सकती, उनके बारे में कभी बुरा नहीं बोलती, क्योंकि बच्चा ही वो है जो माँ की कोख से जन्म लेता है, और माँ का दिल तो हमेशा ही अच्छा होता है। इनका भी दिल अच्छा है, तुम छोटी हो ना, वो बड़े हैं, बड़ों को एक बार माफ कर दो। ये काहे ही को सर पे चढ़ा रहा है? तुहार माँ का अपमान किया ही ने। गोमती मासी, मैया के अपमान का बदला लेने के लिए, उनके सम्मान के लिए कितने बरस दिए मैंने, किस हद तक गया हो यह बात मैया भी जानती है। आज इस लड़की ने इसीलिए कहा क्योंकि किसी ने इसकी मां का अपमान किया। इसमें क्या गलत किया? मैं इस बात में मीठी के साथ हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि रानी ने कोई गलती नहीं, और बड़े होने के नाते यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम छोटों को माफ करें, क्योंकि बड़ों को देखकर ही तो छोटे सीखते हैं। इसकी क्या उम्र होगी? 9 साल। मैया 9 साल? 9 साल में तो कितनी लड़ाई लड़ी है मैंने, और मासी आपको याद होगा बचपन में जब मैया के बर्ताव को लेकर आपने कछु कहा था तो क्या किया था हमने? आपकी सारी साड़ियां जला दी थी, याद है ना मैया? देखना हमको, अरे ये समझ ले ऊ की जगह तुहार बिटवा खड़ा है, और माफ कर दे। प्लीज भैया, चल बस बहुत हुआ तेरा नाटक है, तुहार मैया को कछु नहीं कहेंगे, जा ऊपर जा। रानी मैया तुमसे बड़ी है, लेकिन फिर भी उन्होंने तुमसे माफी मांगी और तुम्हें अपना ली। अब मेरी रानी गुड़िया की बारी है। मेरे को ये सब किसी ने नहीं सिखाया ना, इसलिए मेरे को जो भी आता है मैं वही करती है। क्या माफ कर दो, मैं सॉरी बोलती है। ये बिटवा तू सिखाया का है इस तरह माफी मांगना? तू बचपन में ऐसे ही माफी मांगता था। जा आज से ये घर तो आर घर। बोलती है मैं और वेलकम मैं बोलती है। आज से ये घर तुम्हारा है और हम सब तुम्हारे अपने। आज के बाद ये घर छोड़कर कभी मत जाना, प्रॉमिस?